अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर अबू बकर से भी मिलने आप पहले, लास्ट वीडियो में आप नहीं थे, हम टूर में किधर घूमते? मैं तो ड्यूटी पे गया था। अच्छा जी, तो आज है जी अबू बकर का ऑफ, मैं आप लोग को पहले बता दूँ। और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, नाश्ता हमने किया था दाल चावल, यहाँ से दाल चावल मिलते हैं और वो बहुत मज़े के होते हैं। और कल हमने मंगवाया था साग यहाँ से, वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ तो नहीं बनाती ना, तो कल हमने मंगवाया बाहर से साग। और यकीन करें वो मुझे सारा फेंकना पड़ा, इतना गंदा साग था ना, कोई पूछे ही ना है। तो आज फिर मैंने कहा कि आज मैं खुद जो है ना, अबू बकर का आज ऑफ भी है तो आज मैं जो है ना खुद कुकिंग करूँगी और अबू बकर के लिए उनकी स्पेशल चीज़ बनाऊँगी। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आज क्या खाना है, तो हम लोग जो है ना आज उनका फेवरेट खाना बनाएंगे जो वो बोलेंगे। तो हम लोग पूछते हैं इनसे क्या खाना बताएं, क्या खाना आज? हाय, नहीं मुस्कुराहट। वाइट कोरमा खाऊंगा मैं तो। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा है घर का व्हाइट कोरमा खाने के लिए। ठीक है। और ना पिछले कुछ दिनों से ना मेरा मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा था, मीठा मतलब कि खीर। मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, और अबू बकर को भी खीर बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है ना खीर भी बनाए साथ, और हम लोग जो है ना साथ वाइट कौरमा, जैसे अबू बकर ने फरमाइश की है वाइट कौरमा तो नहीं, मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है तो हम वाइट हांडी बनाएंगे। चलेगी? हाँ जी चलेगी, दौड़ेगी चलेगी। और वो नीचे हमारा वाईफाई पड़ा हुआ है, ये ना कह देना पता नहीं क्या पड़ा है, वाईफाई पड़ा है। हाँ तो चले फिर हम लोग जो है ना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और दोपहर का खाना भी खाना है। ये मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर चीज़ें मैंने पहले ही सब कुछ निकाल के रखी हुई है, और यहाँ पर फ्राई पैन भी धो लिया मेरे पास। ना यार खीर बनाने के लिए ना लाइक कोई ऐसा बर्तन नहीं है जिसमें मैं खीर बना सकूँ, तो मैंने कहा ये फ्राई पैन बड़ा है तो इसके अंदर जो है ना हम लोग खीर बना लेते हैं। और जो है ना यहाँ से वो फ्रेश मिल्क नहीं मिलता तो अब मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है ना मैंने ये हांडी के लिए भी जो है ना चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। और यहाँ पर ऑयल मेरा ख़त्म होने वाला है, ऑयल ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो है ना अब अगर ये थोड़ा रह गया तो हम लोग जो है ना देसी ही डाल लेंगे, क्योंकि ग्रॉसरी करने अभी मैं नहीं जा रही, वो मैं इंशाल्लाह शाम को या कल देखूंगी ग्रॉसरी करने के लिए, तो अभी जो है ना हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अपना चिकन। चिकन भी मैंने वॉश करके रखा हुआ है अच्छी तरह, ये है जी। ओ ओ ओ, ओ, ओ. अच्छा जी, ये है जी हमारा चिकन, इसको मैंने अच्छी तरह, ये बोनलेस है और इसके छोटे छोटे से जो है ना पीसेस करके मैंने रख लिए हुए हैं, ताकि जो है ना जल्दी से गल भी जाता है, छोटे छोटे से हो ना तो वैसे भी बोनलेस जल्दी बन जाता है। तो ये पड़ा हुआ था लास्ट टाइम चिकन लेके आई थी ना, तो उसमें से बोनलेस मैंने निकाल लिया था। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, और खीर भी हम लोग साथ ही रखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो जल्दी जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। एक चूल्हे पर जो है ना हम लोग खीर रख देंगे और एक चूल्हे पर हम लोग जो है ना चिकन रख देंगे। आप लोगों को मैं साथ साथ जो है ना रेसिपी भी दे रही हूँ, आप भी कोई हेल्प करा दो यार, क्योंकि सब लोग पूछते हैं कमेंट में रेसिपी भी दो तो आपको। हाँ मैं साथ साथ रेसिपी भी दे रही हूँ, तो आपने आज मेरी हेल्प नहीं करानी? तो मेरा ऑफ है ना, आपने पहले बोला वीडियो में क्या कि मेरा ऑफ है आज, घर के कामों से नहीं काम मैंने जॉब से कहा है और आपका। तो यहाँ पर जो मैंने उसके लिए खीर के लिए पैन भी रख दिया, और यहाँ पर उसके लिए चिकन के लिए जो है ना ये मेरे पास यही है, नहीं तो अगर मेरे पास कढ़ाई होती तो उसके अंदर बनाती मैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर ऑयल, ये है जी ऑयल, बंदा थोड़ी हेल्प ही करा देते हैं आके। आप बताओ तो मैं अभी आ जाऊं इसमें क्या है, आपको पता मैं तो हेल्प करवाने से पीछे तो नहीं हटता। चलो जी, हमने डाल दिया ऑयल, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये हम लोग डालते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग डालते हैं दूध। खीर मैं बना रही हूँ ये वाली, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, लजीज़ा फिरनी, फिरनी कह लें फिरनी, ये बनाने लगी हूँ मैं। मैं नहीं वो लंबे चौड़े काम कर रही कि चावलों को ग्राइंड किया, ये बिल्कुल मतलब कि ठीक है, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, चीनी भी मिक्स है, तो हम लोग जो है ना ये बनाते हैं। अब दूध को दूध खोल दे दूध खोल, ये खोलने वाले काम नहीं मैं कर सकती। चले जी, अच्छा जी, अब इसको डाल देते हैं हम इसके अंदर, अल्लाह करे अच्छी बने, बस फर्स्ट टाइम मैं खीर बना रही हूँ, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आप कोई भी चीज बनाती हो अच्छी बनती है, पूरा आ जाएगा। हाँ जी, इस दफा भी अच्छी बनेगी, आराम से आराम से। चले जी,
चलें जी, ये डाल दिया मैंने दूध, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे वो थोड़ा लग रहा है, लाइक ऑयल थोड़ा लग रहा है। अब मैं जा तो नहीं सकती, तो इसके अंदर हम लोग जो है ना देसी घी डाल लेते हैं। देसी घी दे जरा मुझे फ्रिज से, आग थोड़ी कम कर लेते हैं। अब इसके अंदर बॉयल आता है तो इसके अंदर हम जो है ना ये खास लजीजा, ये है जी लाइए है जी देसी घी, ये मैं उधर से लेके आई थी। और मैं इसलिए नहीं थी ला सकती कोई और जो ब्रांड का, कि वो जो है ना गिर जाएगा, ये अच्छा होता है टीन पैक जो है ना। ये मैं डालने लगी हूँ यहाँ पर, इसमें जो है ना हांडी में, इसमें हांडी में हमने और कुछ नहीं डालना, बस हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, ये डाल दिया हमने। मैंने दूध उतार दी है, मैंने कहा कि इसको ना साइड पर रख देती हूँ ताकि ना उसमें भी छींटे, ये चिकन हो जाएगा ना, फिर मैं रख दूँगी दूध ताकि छींटे अभी करूँगी तो इसमें जो है ना छींटे जाएंगी। आज मैंने आपको शुद्ध देसी घी का खाना खिलाना है, थैंक यू सो मच, शुद्ध देसी घी। और यहाँ पर रूम भी सारा मैंने साफ करके रखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने पहले लहसुन अदरक डाला था, फिर मैंने चिकन डाल दिया, मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। चिकन हो गया हमारा फ्राई, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये दही, दही डालूंगी इसके अंदर और नमक और काली मिर्च। इसके अंदर जो है ना वो काली मिर्चें, नमक, दही और थोड़ा सा पानी डाल के ना अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ। और यहाँ पर देखें अबू बकर के काम, ये सारा गरम मसाला इधर गिरा दिया मेरा है, ये देखो जरा ये क्या करके गए हो इधर, क्या किए इधर, सॉल्ट तो मुझे क्या पता क्यों आगे पड़ा हुआ? गिरा दिया आपने, नुकसान कर दिया मेरा, नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किया है। चलें अब हम इसको कवर कर देते हैं और साथ ही जो है ना अपनी खीर रख देते हैं। ओके, नुकसान कर दिया मेरा, तो ये रख दी मैंने अपनी हांडी, अब मैंने यहाँ पे रख दी अपनी खीर बनने के लिए ताकि ये भी साथ ही हमारी जो है ना तैयार हो जाए। कुछ दिन पहले ना मुझे अबू बकर की तरफ से, अबू बकर के दोस्त की तरफ से जो है ना वो मटन पुलाव आया था, उनकी वाइफ ने भेजा था। तो मेरा ये होता है कि जाहिर सी बात है किसी ने कोई चीज़ भेजी है ना तो मैं भी उनके घर कोई ना कोई चीज़ भेजूँ। तो लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी पिछले दिनों, लेकिन वो जो है ना ज़रा बिजी थी तो मैं नहीं भेज सकी उनको, वो मतलब घर पर नहीं थी ना अपने तो मैं नहीं भेज सकी उनको ना, लेकिन बनाई मैंने काफ़ी ज़्यादा थी उनके लिए बनाई थी, जाहिर सी बात है। तो अब मैं उनको जो है ना खीर भेज दूंगी, ठीक है? हाँ जी, खीर भेज देंगे आपको, हाँ जी इवनिंग में उनको दे आएंगे खीर। आप जाना? हाँ जी, मैंने क्यों जाना है? मैं ही जाऊँगा नुकसान करके, नुकसान ही वो भी मैं उठा देता हूँ, वो तो उठाना क्या है, बस मिस्टेक हो गया, नुकसान तो किया ना बाय मिस्टेक। दूध हो जाए, अब बॉयल हो जाए जल्दी से, तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना ये लफाफा डाल दूं। वैसे मैं मामा को ही देखा बनाते हुए, मैंने कभी खीर नहीं बनाई, पता आपको, कभी जिंदगी खीर नहीं बनाई मैंने, मीठा नहीं मैंने कभी बनाया, वैसे खाने बनाती रहती थी। मम्मा जो है ना, मम्मा गजरेला और खीर ये चीजें बहुत मजे की बनाती है, पता है? हाँ जी, उनका मैंने हाथ का खाया हुआ। तो चलें फिर हम लोग जो है ना अब खीर, जब दूध को बॉयल आता है तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दूध को बॉयल है ना वो बस आ ही गया है, और मुझे नहीं था पता ये वाले दूध में मलाई भी आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खीर बना रही हूँ और हम लोग फ्रेश दूध की बनाते थे ना। तो ये बॉयल आ गया हमारा यहाँ पे, तो इसके अंदर अब हम लोग डाल देते हैं ये, क्या नाम है इसका, ये फिरनी मिक्स जो भी है, इसको डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, ये डाल दिया हमने सारा इसके अंदर, अब इसको मिक्स करें। सब कुछ इसके अंदर मिक्स आई, पिस्ता बादाम भी इसके अंदर ही है, साथ ही साथ अपना चिकन भी देख लेते हैं। ये है जी चिकन, ये जरा इसका पानी ड्राई होता है तो इसको जो है ना हम लोग भूनते हैं। आज छुट्टी मिल गई है, तुम बाल के साथ लगे हुए हैं कब से? मैंने कहा जरा सरप्राइज होगा ना, इस अच्छा वजह से ना। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? माशाल्लाह, इसीलिए तो मैं आया हूँ इधर। अच्छा जी, इसलिए आए। ये फिरनी है हमारी, माशाल्लाह। चलें मैं अब इसके अंदर चम्मच चलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिरनी के अंदर जो है ना चम्मच चलाना पड़ता है ताकि नीचे ना लगे। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर तक। ओके बाय। ओके, आप मुझे लेमन ला के दें, मैंने लेमन भी डालना मुझे याद ही नहीं था रहा यार।
क्या है? फेल क्या हूँ मैं? हाँ ना, तो जाएंगी ना उधर वेजिटेबल मार्केट तो ले आएंगे, तो अभी मुझे चाहिए तो ला देना, आपके लिए बना रही हूँ। लेमन रहने दो, ऐसे ही ठीक। हाँ कितने सुस्त हो गए हो, ला देना। अच्छा ठीक है। जाए ला के दें, पास ही ग्रोसरी है यार, 2 कदम पे। चिकन चेक करें, इसके अंदर पानी जो है हमारा ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ क्रीम, ये हमारी क्रीम है, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारी वैसे भी तैयार ही होने वाली है, देखें थिक हो गई है, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल चावलों को आटा यूज़ करते हैं, तो पहले हम इसके अंदर क्रीम डाल देते हैं। तो ये देखें जी, हमारी वाइट हांडी जो है ये हो गई है तैयार। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया इसका, वाइट वाइट सा, बहुत प्यारा इसका कलर लग रहा है। मैं ये सेकंड टाइम बना रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने दुबई मरीना में बनाई थी। और अब इसके ऊपर जो है ना हम लोग लेमन जो है ना गार्निश कर देंगे, थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे स्क्वीज़ करके, और थोड़ा सा जो है ना इसको हम ऊपर गार्निश कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है तैयार हांडी, चिकन भी गल गया था और ऑयल भी देख सकते हैं आप लोग निकल गया इसका, और अब बस खीर रह गई है हमारी, खीर भी तैयार हो जाएगी। तो इसकी बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, फटाफट फटाफट से जो है ना आप लोग बना सकते हो। अबू बकर आ गए हैं यहाँ पे, अब इनको चेक कराते हैं, ये चिकन है चेक करें हमें। यम्मी, फुल यम्मी। चलें जी, तो ये हो गया हमारा तैयार चिकन। तो अब इसको जो उसके ऊपर लेमन भी ले आए, ये एक ही मिला था आपको, तो ग्रोसरी करने जाना है ना हमने। हाँ, हाँ, वेजिटेबल मार्केट हाँ, अभी हमने जाना है, तो बस पिंडी भी तैयार होने वाली है। अब मैं लेमन से इसको गार्निश कर लेती हूँ। कैसा बना है? यम्मी, वाकई बहुत। दो तो लोग हैं, मैं इतना ज्यादा आपको बता, डेली बेसिस पे बना रहा हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा ही बनाती हूँ ताकि जो है ना हम लोग खा सके। 2 टाइम का, 2 टाइम हम लोग खा लेंगे इजीली, क्योंकि काफी ज्यादा है। लीमू आप काटे ना यार गार्निश के लिए, कुछ काम तो कर दे। कैसे मुझे पता है कैसे? ले बारीक बारीक से, क्योंकि मेरी खीर नीचे लग जाएगी। बारीक बारीक नहीं होते वो जो बारीक बारीक, मेरी खीर ना ना नीचे लग जाए, इसलिए कह रही हूँ। हाँ जी, मुझे काट दे और मैं होना यहाँ पे। हाँ जी बारीक, इतने बारीक नहीं, गार्निश करनी है। अच्छा, कभी काटा नहीं है लीमू? नहीं। वैसे तो बड़े आप शेफ बनते हो। ओह, मैंने कभी लीमू नहीं ना डाला। बस 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 बस, ये बाकी फ्रिज में रख दे। हाँ बहुत है, बहुत है। ओके जी, थैंक यू। जल्दी में मेरा काम खत्म हो गया। ये अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं और बस काम खत्म। अब हम करवाते हैं अबू बकर को खीर चेक, ठीक है। मुझे तो लग रहा है बन गई है, लेकिन जब तक वो छींटे ना ना आए तब तक तैयार नहीं होती। तो लेकिन अभी ये जो है ना हम लोग चेक करवा देते हैं बकर को। आपने क्यों नहीं अभी तक चेक की? आपने क्यों नहीं चेक की? मैंने कहा पहले आप करें। कैसी? इनका भी बहुत परफेक्ट है। मैंने कौन सा डाला अंदर? डला डलाया आया था। अच्छा, हाँ डला बहुत टेस्टी है। अच्छा फिर नहीं है, मैं चेक करती हूँ। इतनी मज़ेदार बनी है ना ये फिरनी, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है। मेरी रेसिपी नहीं, रेसिपी क्या है, बस एक ही डालना है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना बाजार वाले, बाजार के शादियों वाली फिरनी नहीं होती है ना वो बकर, वैसे बिल्कुल सेम वैसे टेस्ट आ रहा है। और मेरा ख्याल है बस बनने ही वाली है, 5 मिनट और इसको रखते हैं ऊपर बनने के लिए, तो फिर हम लोग जो है ना इसको उतार के तो फिर हम लोग सर्व करेंगे। और यहाँ पर चिकन मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ना वो हो जाएगा यार, मसाला बन जाएगा थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ड्राई हो गया था। तो चिकन भी तैयार है और इसको भी जो है ना अब डिश आउट करते हैं, तो फिर अब मैं आप लोगों से जो है ना डिश आउट के टाइम पे मिलूंगी, क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, तो इसको हम लोग जो है ना बना के फ्रिज में रख देंगे। तो हमारी बन गई है फिरनी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने डाल के रख दी है उनके लिए जिनको मैंने भेजनी थी, और ये मैंने घर के लिए रख लिया, मतलब अबू बकर के लिए, ठीक है। और खाना भी हमारा बन गया, और अबू बकर गए हुए हैं रोटी लेने के लिए। अब आटा तो नहीं मैं गूंथ सकती थी, वैसे भी अभी तवा आने वाला है, तो वो मैंने लेने के लिए जाना है अभी।
बस हमारा खाना बन गया, अब अबू बकर वो रोटी लेके आते हैं, तो फिर उनको सर्व करते हैं और उनसे पूछते हैं कैसा बना है। रोटी ले आया है, तो अब ये मैं डाल के ले आई हूँ हांडी, अब मुझे बताएं कैसा बना है जी। अच्छा जी, कितने जल्दी बना बन गया ना, बहुत जल्दी बना है। हाँ जी, चलें जी बताएं जी, रिव्यूज बताएं। लेमन तो नहीं आ गया मुंह में? बस बस बस, बहुत टेस्टी है। बहुत मजे की बनी है ये हांडी। बहुत मजे की। खीर तो अबू बकर ने टेस्ट कर ली थी, अब ठीक है, अब वो ठंडी होगी तो फिर ही अबू बकर खा सकेंगे ना। हाँ जी, गरम में नहीं आता। हाँ, गरम में नहीं आता, तो मैं वैसे मैंने डाल के रख दी है यहाँ पे, तो अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, तो ठंडी होगी तो फिर अबू बकर को खिलाएंगे। तो ये हो गई जी आज आपकी फरमाइश पूरी, ठीक है। तो चलें जी यहाँ पर करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।